इंश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा।